गुड मॉर्निंग किड्स, दिस इज शिप्रा हेयर, योर मैथ्स टीचर. सो किड्स, इन आवर टुडेज मैथ्स क्लास वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शन. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. आपने सारी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से की है, वेल डन, यू ऑल डिजर्व अ वेरी बिग क्लैप. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक. सी, कल मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखाया था. कंपैरिजन कैसे करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का, तो उसी के पर बेस है हमारा ये टॉपिक. अब असेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं. सी, जब भी आपको कंपैरिजन करना हो या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो किस फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले आप पोर्शन का चेक करोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कि क्या सेम है. आपको क्वेश्चन के अंदर देखो क्या सेम गिवन है, डिनोमिनेटर मतलब कि लाइक फ्रैक्शन है आपकी. सब क्वेश्चंस का आपको क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर. तो जब भी आपका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, क्या सेम हो, डिनोमिनेटर, लिसन टू मी, आप अपनी बुक में भी देखो, मैं आपको आपकी बुक शेयर करती हूँ. सी क्या कह रही है आपकी बुक, यहाँ देखो, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको कुछ नंबर्स गिवन है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने हैं. तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. ये हम सबको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं. ओके, सो द गिवन फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. अगर हमारी फ्रैक्शन का सेम है तो हम क्या कंपेयर करते हैं, हमारा न्यूमिरेटर, कौन सा नंबर कंपेयर करते हैं, न्यूमिरेटर. अब आप देखो, इसमें हमारा जो क्वेश्चन में क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है सब में 99, तो इससे तो हम कुछ चेक कर ही नहीं सकते. क्या डिनोमिनेटर के थ्रू हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो. तो हम किसको चेक करेंगे, हमारे न्यूमिरेटर को, किसको चेक करेंगे, न्यूमिरेटर को. ओके, तो देखो हमें हमारे न्यूमिरेटर को कैसे चेक करना है, कैसे सॉल्व करना है. असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. तो सेम जो आपका ये नंबर है इसको आपको स्मॉलेस्ट ऑर्डर से बिगेस्ट ऑर्डर की तरफ लेके जाना है. तो चेक करो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, टू, टू है, 2/9. फिर बिग की तरफ जाना है, देन 2 के बाद क्या आता है, 3, 3/9, फिर 4/9, 3/9 के बाद कौन सा नंबर बिग है आपका, 4/9, फिर 5/9, देन 7, देन 10/9. इसके बाद कोई और नंबर नहीं है ना हमारे पास. तो आप देखो, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ये ही हमारी सीक्वेंस चल रही है. हमारे नंबर फिनिश हो गए और हमें करना भी क्या था, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ जाना था. तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर का आंसर भी क्या हुआ, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 7/9 और 10/9. ओके, सो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है. अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमिरेटर को एकदम सिंपल मेथड से, एकदम सिंपली जैसे आपको कंपेयर करना है नॉर्मली कि कौन सा नंबर किससे बिग है. कब करना है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमिरेटर से कंपेरिजन करना हो, तो आपको जो भी नंबर जैसे जैसे बिग है उसको उसी ऑर्डर में राइट करना है. ओके, अगर आप समझ आया आपको क्या करना है, इस तरह से आपको करना है. एक एग्जांपल और देखो, फाइव बाई टेन, 3/10, 2/10,
4 by 10 and 6 by 10 and 1 by 10. वन बाई टेन. अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. तो वही हम क्या चेक करेंगे, हमारा क्या सेम है, डिनोमिनेटर. तो किससे कंपेयर करेंगे, न्यूमिरेटर से. न्यूमिरेटर से कंपेयर करेंगे ना. और कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे यूजुअली हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, पहले हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वन. तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वन बाई टेन, देन टू बाई टेन, देन थ्री है हमारा, थ्री बाय टेन. उसके बाद क्या है हमारा, फोर, फोर बाय टेन. देन हमारा क्या है, फाइव बाय टेन. और उसके बाद हमारा क्या है, सिक्स बाय टेन. ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर करते जाना और अपने फ्रैक्शन को एज इट इज राइट कर देना. कब, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर. ओके, अब एक एग्जांपल लो आप डिसेंड. सो सी किड्स, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या देखेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, ऐसे जाते हैं. ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देखो कुछ, कोई अब देखो मैंने क्या बताया है, चेक करोगे सबसे पहले क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है. क्या सेम है, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सेम है ना, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज यूजुअल हमारा कंपैरिजन होगा एकदम सिंपल. इसको आप सेट करो हमारे बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बिग नंबर कौन सा है, 14 by 15, देन 14 by 15 के बाद कौन सा है, 13 by 15, देन 12 by 15, देन 11 by 15, एंड आफ्टर दैट 10 by 15. तो ये हमारा बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर था, यही था ना. और इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा, 14 by 15, 13 by 15, 12 by 15, 11 by 15 एंड 10 by 15. क्या आंसर आ गया हमारा, ये हमारा क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम कहाँ जाते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. और असेंडिंग ऑर्डर में हम कहाँ जाते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. ओके, सो किड्स, आज का आपका जो आज का होमवर्क है वो क्या है, आपको मैंने सिर्फ एक पार्ट समझाया है, ये वाला पोर्शन अभी. ठीक है, अभी जो हमारा न्यूमिनेटर से कंपैरिजन है वो हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और आपका आज का जो होमवर्क है, मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगी, आपको ये एक्सरसाइज अभी सोल्व नहीं करनी है. मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, आपको वो अपनी वर्कशीट नोटबुक में सोल्व करनी है. फिर कल मैं आपको दूसरा टॉपिक समझाऊंगी, आपको वो सोल्व करना है. ओके किड्स, सो बाय बाय.